ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो एक्स इक्वल टू टी डॉट लॉग टी वाई टी रेस टू टी दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय अल्ट्राइजी मेथड, क्योंकि नॉर्मल मेथड काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, उसमें 10 मिनट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू टी डॉट लॉग टी है तो जे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन लॉग एम रहेगा तो एन को ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो टी है तो इसको हम ऊपर लेते हैं, इसके ऊपर, तो ये बनेगा लॉग टी रेस टू टी। तो अब ये क्या है, देखो ये और ए, तो बस एक्स बनेगा लॉग और ये क्या है वाई है, तो बस इसको वाई लिखना है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू लॉग वाई है तो इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई है, देखो वाई है तो बस वाई लेना है, और यहाँ पे एक्स है तो बस यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे वाई आएगा, और यहाँ पे डे बाय डी वाई आएगा क्योंकि अभी वाई है, और इसको पूरा इधर लिखा तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई वन बाय होता है, तो ये आएगा वन बाय वाई, तो हमको आ रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन बाय वाई। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो दरफोर डी वाई बाय डी एक्स, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यह आएगा वाई बाय वन, तो दरफोर डी वाई बाय डी एक्स, तो वाई बाय वन है तो ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा लेते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में है, राइट।